हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1। हम लोग देख रहे हैं यूनिट लोड मेथड फॉर ट्रसेस। पिछले वीडियो में मैंने इसके साइन कन्वेंशन बताया और कुछ डेफिनेशन पार्ट बताया, वो पहले आप देख लीजिए, नहीं तो इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रसेस। 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है, बस टाइम ज्यादा चला जाएगा इसमें, लेकिन एकदम ईजी है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया है हमें, यूजिंग यूनिट लोड मेथड फाइंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शमेंट ऑफ जॉइंट ई, इस जॉइंट ई पर हमें फाइंड करना है वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ट्रस में हम लोग सिर्फ डिफ्लेक्शन ही फाइंड करते हैं, ठीक है ना। ऑफ ए पिन जॉइंटेड ट्रस लोडेड एज शोन, जो क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दिया है, टेक ई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन ऑल मेंबर। क्वेश्चन में ई आई हम लोग कोई वैल्यू नहीं दिए, कॉन्स्टेंट लेने को बोला है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते किस तरीके से है, ए बी सी डी ई एफ। एफ पे वर्टिकल माइनस वर्टिकल है 18 किलो न्यूटन और सी पे प्लस का हॉरिजॉन्टल है 12 किलो न्यूटन। ठीक है, ए पे हिंज है और बी पे रोलर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम इसमें हमारा होता है सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना। तो क्योंकि ये हिंज है तो यहाँ पर एक वर्टिकल ए लगेगा, किस डायरेक्शन में लगा दो हॉरिजॉन्टल ए, यहाँ पर आएगा वर्टिकल बी। ठीक है ना, ये रोलर है। तो यहाँ पर तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन बनेंगे। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो, जिसमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सबसे पहले लेंगे वीबी, तो वीबी माइनस वीबी होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, इसलिए माइनस वीबी। डिस्टेंस कितना है, 4 + 4 + 4 = 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं 18, तो ये 18 क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए +18 × 4। 18 कितना, 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब आते हैं इस 12 की तरफ, तो ये भी प्लस में है क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो +12। 12 का डिस्टेंस कितना है देख सकते हैं, ये 12 का डिस्टेंस हम लोग को लेना पड़ता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 12 3 मीटर के डिस्टेंस पे लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो फ्रॉम ए 3 मीटर के डिस्टेंस पे, इसलिए 12 × 3 = 0। तो यहाँ से आपको वीबी की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस वीबी इंटू 12 प्लस 18 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वीबी आपको मिलेगा 9 प्लस 9, मतलब हमारा अजम्पशन करेक्ट है, 9 किलो न्यूटन। ठीक है, वीबी। अब लेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव लेंगे। तो वी ए ऊपर जा रहा है तो प्लस वी ए, वीबी भी ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस वीबी, लेकिन वीबी की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा जो कि 9 किलो न्यूटन है, और यहाँ पर 18 है जो कि माइनस में होगा क्योंकि नीचे जा रहा है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक ही अननोन है वी ए, तो वी ए यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स प्लस 9 माइनस 18 इक्वल टू 0, 9 किलो न्यूटन। प्लस का 9 किलो न्यूटन है, मतलब आपका अजम्पशन करेक्ट है। ठीक है, अब लेते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट टू राइट जाने वाले को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले एच ए, एच ए मैंने पहले से इस साइड में लिया तो माइनस एच ए, और यहाँ पर 12 किलो न्यूटन है जो कि प्लस में है, प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एच ए देख सकते हैं, जब एच ए हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे तो एच ए हम लोग को 12 किलो न्यूटन आएगा। चलिए पहला काम तो हमारा हो गया सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना। दूसरा काम है हमारा पी एनालिसिस। तो पी एनालिसिस के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, यहाँ पर वी बी, यहाँ पर वी ए और एच ए, यहाँ पर 12 किलो न्यूटन और यहाँ पर 18 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पी एनालिसिस का कैलकुलेशन पार्ट। पी एनालिसिस का कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा जॉइंट लेंगे, ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही अननोन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो ही इक्वेशन है, समेशन एफ वाई और समेशन एफ एक्स। इसमें मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है, मूवमेंट हम लोग इसमें नहीं ले सकते। ट्रस में अगर मूवमेंट लेंगे तो ट्रस इनबैलेंस हो जाता है, हम लोग ट्रस में मूवमेंट नहीं ले सकते। सिर्फ हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम लोग सिर्फ दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं, दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब
हम लोग सबसे पहले ऐसा जॉइंट उठाएंगे जहां पर दो अननोन है। तो देख सकते हैं पॉइंट ए पे दो लोड मालूम है लेकिन दो अननोन है, तो पॉइंट ए उठा सकते हैं। सी पे एक मालूम है लेकिन एक दो तीन अननोन है, तो सी भी नहीं ले सकते। डी पे एक दो तीन चार, चारों अननोन है तो डी भी नहीं ले सकते। एफ में एक मालूम है, एक दो तीन चार, चार अननोन है तो एफ भी नहीं ले सकते। ई में तीनों अननोन है, ई भी नहीं ले सकते। बी में एक मालूम है और दो अननोन है, तो बी हम लोग भी ले सकते हैं। इस ए और इस बी में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम लोग ए बी सी डी साइड से जाए तो भी ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए लेते हैं, तो कंसिडर कंसिडर जॉइंट ए। सबसे पहले जॉइंट ए, तो जॉइंट ए को रिड्रॉ करो। जॉइंट ए इस तरीके से है, ये आउटवर्ड है, ये इनसाइड है और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। हम लोग को इतना देखना होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंसिडर सेक्शन, इस साइड में सेक्शन कंसिडर करते हैं और हमको सिर्फ इतना पार्ट लेना होता है जितना आपको दिख रहा है अभी, सिर्फ उतना लेना पड़ता है। तो यहाँ पर वैल्यू है 9, यहाँ पर है 12। जो हमको मालूम नहीं होता है ना उसको हम लोग आवे लेंगे, ठीक है ना, बाहर जाने वाला। तो यहाँ पर हम लोग नाम दे सकते हैं, ये है ए सी, ये है ए एफ, ठीक है ना। अब क्योंकि ए सी इंक्लाइन लोड है तो इंक्लाइन तो हम लोग आगे लेके नहीं जा सकते, तो इसको हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसके लिए हमको यहाँ का थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा फाइंड करने के लिए देखिए, ये वाला थीटा हमको फाइंड करना पड़ेगा। ये थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग टैन लगा सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं अपोजिट है 3 मीटर और एडजेसेंट है 4 मीटर। तो टेन इनवर्स 3/4, 36.86, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने डेटा पहले से कैलकुलेटर करके रखा है, 36.86। तो ये डिग्री है 36.86। तो देख सकते हैं जो भी हमारा थीटा के साथ होता है वो कॉस का टर्म होता है, इसलिए ये हो जाएगा ए सी कॉस थीटा, और ये जो जिसके साथ हम लोग थीटा नहीं रखते वो होता है हमारा साइन थीटा का, साइन का टर्म। तो ये होगा ए सी साइन थीटा, थीटा हम लोग कैलकुलेशन के टाइम डाल देंगे। अभी समीशन एफ वाई एपेक्स लगा दो इसको। तो सबसे पहले समीशन एफ वाई लगाएंगे हम लोग, समीशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव। तो यहाँ पर 9 ऊपर जा रहा है इसलिए +9, फिर ये ऊपर जा रहा है ए सी साइन टीटा। ए सी साइन टीटा कितना था हमारा, टीटा है 36.86 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें ए सी मिल जाएगा 9 + x साइन 36.86 इक्वल्स टू जीरो, ए सी मिलेगा -15 kN, ठीक है ना। माइनस मतलब कंप्रेशन, तो देखिए ए सी हमारा कंप्रेशन है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर देखिए, अगर ये बीम है इसमें अगर कंप्रेशन आता है तो कंप्रेशन होगा अवे फ्रॉम ईच अदर, ये होगा कंप्रेशन, और टेंशन होगा टुवर्ड्स ईच अदर। अब आया है कंप्रेशन, तो एसी में कंप्रेशन लगेगा इसलिए अवे फ्रॉम ईच अदर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। कंप्रेशन होगा अवे फ्रॉम ईच अदर, और इसका लोड कितना है -15। माइनस हो या प्लस, ठीक है ना, माइनस भी इसमें लिख के चलना है, ये साइन हटाना नहीं, ठीक है ना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहला हो गया हमारा कंसीडर जॉइंट ए, जॉइंट ए हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पर हमें एफ चाहिए, तो एफ के लिए हम लोग लगाएंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, लेफ्ट से राइट जाने वाले को पॉजिटिव लेंगे। तो 12 माइनस का 12 है, -12, ए एफ प्लस में है प्लस ए एफ, यहाँ पर कॉस का टर्म भी है जो कि है ए सी कॉस थीटा, थीटा कितना है 36.86 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैं वापस लिखता हूँ, -12 प्लस ए एफ प्लस ए सी, ए सी हमें मालूम है लेकिन ए सी कितना है -15 है, तो इसको ब्रैकेट डाल दीजिए
-15 cos 36.86, ये पहला ब्रैकेट खत्म, ये दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसलिए मैंने बोला था कि साइन हटाना मत, साइन हटाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। -12 प्लस AF प्लस फिर ब्रैकेट में -15 cos 36.86 दो ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। AF आता है, AF इक्वल्स टू 24 किलो न्यूटन, जो कि पॉजिटिव में है। पॉजिटिव मतलब टेंशन, ठीक है ना। AF आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब टेंशन। टेंशन मैंने क्या बताया था, टुवर्ड्स इच अदर, तो यहाँ पर टुवर्ड्स इच अदर, टुवर्ड्स इच अदर, और वैल्यू कितनी है, +24। तो प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 24 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा जॉइंट ए कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड तरफ। कंसिडर जॉइंट, कंसिडर जॉइंट सी। अब हम लोग सी लेंगे, क्योंकि देख सकते हैं सी में हमारे पास दो मालूम है हमें और दो अननोन है, तो सी लेंगे। देखिए सी वाला डायग्राम हम लोग यहाँ पे वापस बनाएंगे। एक ऐसे जा रहा है, एक इस तरह से, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये 12 है, ये है 15, ये वाला मालूम नहीं है हमें, तो ये 15 हमें मालूम है, टूवर्ड्स जा रहा है, हमको ये वाला देखना है, ठीक है। टूवर्ड्स जा रहा है और ये 12 जो हमें मालूम नहीं होता उसको हम अवे लेते हैं। अब इसका हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए हमें इसका टीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वाला टीटा, ये वाला टीटा, इसके लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट है 4 और एडजेसेंट है 3, अपोजिट है 4 एडजेसेंट है 3। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, टेन इनवर्स 4/3 होता है 53.13, तो टीटा हमारा हो जाएगा 53.13। देख सकते हैं जो टीटा, टीटा जिसके साथ होता है, आप टीटा इसके साथ है, टीटा जिसके साथ होता है वो कॉस का टर्म होता है, तो फिर ये हो जाएगा 15 कॉस टीटा, और ये टीटा इसके साथ नहीं है तो ये हो जाएगा 15 साइन टीटा। जिसके साथ टीटा होता है कॉस उसके साथ जाएगा, या फिर आप इस ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, परपेंडिकुलर को कॉस जाता है और परपेंडिकुलर जो नहीं होता उसको साइन जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं, इसका नाम क्या है, सी एफ, इसका नाम है सी एफ और इसका नाम है सी डी, ये है सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर समेशन एफ एक्स एफ वाई लगाएंगे, तो सबसे पहले लगाते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव, तो देख सकते हैं 15 कॉस थीटा ऊपर जा रहा है, थीटा कितना है 53.13। अब सी एफ नीचे आ रहा है तो माइनस सी एफ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको सी एफ मिल जाएगा, सी एफ इक्वल्स टू 15 कॉस 53.13 माइनस सी एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। फिफ्टीन कॉस 53.13 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सी एफ आता है 9, 9 किलो न्यूटन, जो कि पॉजिटिव में है। पॉजिटिव मतलब टेंशन, तो सी एफ यहाँ पर लगा दो। ये है हमारा सी एफ, टेंशन मतलब टूवर्ड्स इच अदर, तो ये इस तरीके से लगेगा टूवर्ड्स इच अदर, ठीक है ना, टूवर्ड्स इच अदर, और जिसका वैल्यू है 9, पॉजिटिव में, इसलिए हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे। आप लगाते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट से राइट को पॉजिटिव लेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले ये 12, 12 पॉजिटिव में है, सी डी भी पॉजिटिव में है प्लस सी डी। आप देख सकते हैं ये 15 साइन थीटा, ये भी पॉजिटिव में है प्लस 15 साइन थीटा, कितना है हमारा 53.13 इक्वल्स टू 0, और कुछ नहीं, इतना ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं,
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। कैंसिल में मैंने माइनस एक्स पुट किया लेकिन वो प्लस एक्स है, क्योंकि हमारा सीडी पॉजिटिव में, तो सीडी पॉजिटिव में इससे प्लस एक्स आएगा और इसके कारण यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 23.99 है। लेकिन अगर उसको हम लोग 24 लिखते हैं तो फिर आंसर -24 होगा। जो मैंने गलती से यहाँ पर प्लस लिखा है, मैं वापस डबिंग कर रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये कंप्रेशन है। टेंशन मैंने वहां पर लिखा लेकिन ये कंप्रेशन है, और ये मैंने यहाँ पर टू वर्ड्स बनाया है लेकिन वो अवे फ्रॉम ईच अदर होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव आता है तो अवे फ्रॉम ईच अदर होगा और वैल्यू होगी -24। यहाँ पर हम लोग दो ज्वाइंट अब तक सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट एफ, ठीक है। अब एफ ज्वाइंट पे हमें दो मालूम है और दो अननोन है, इसलिए तीन मालूम है और दो अननोन है। तो एफ को मैं रिड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर अच्छे से हम लोग एफ को रिड्रॉ करेंगे। एक नीचे जा रहा है जो कि 18 है। देखिए हमें यही देखना है जो कि, देखिए आपको जितना अभी दिख रहा है, देखिए जितना दिख रहा है आपको सिर्फ हमें उतना ही लेना है, ठीक है ना। ये पहली वाली वैल्यू लेनी है। तो फिर ये 24 बाहर की तरफ जा रहा है और ये 9 भी बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इतना तो नॉन वैल्यू है जो हमको मालूम है, और ये जो वैल्यू है एफ ई ये भी हमको नहीं मालूम, और ये जो वैल्यू है एफ डी ये भी हमको नहीं मालूम। तो एफ डी मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमको एफ डी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो चलिए एफ डी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पर टीटा आएगा। टीटा आएगा मतलब यहाँ पर टीटा आएगा, तो ये टीटा 3/4, तो टेन इनवर्स 3/4 कितना होता है, टीटा इक्वल्स टू 36.86। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है क्योंकि ये टीटा चाहिए, तो 3/4 मैंने पहले से यहाँ पर लिखा 36.86। तो ये हो जाएगा एफ डी, एफ डी कॉस टीटा, क्योंकि टीटा जिसके साथ होता है वो कॉस का टर्म होता है, और ये वाला हो जाएगा एफ डी साइन टीटा। चलिए इसको अभी समेशन एफएक्स एफ लगाते हैं। तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, सबसे पहले 18 देख सकते हैं, -18 है, तो -18, फिर +9, 9 ऊपर जा रहा है इसलिए +9, और फिर एफ डी साइन थीटा भी ऊपर जा रहा है। एफ डी साइन थीटा कितना है, 36.86, ठीक है, इतने ही है। तो यहाँ से हमको एफ डी मिल जाएगा, एफ डी यहाँ से हमें मिलेगा -18 +9 प्लस एफ डी साइन 36.86 इक्वल्स टू 0। एफ डी देख सकते हैं 15 मिला है, पॉजिटिव का 15 मतलब टेंशन एफ डी। देखिए एफ डी टेंशन मिला, टेंशन मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, और वैल्यू कितनी है एफ डी की, 15, पॉजिटिव का 15, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू आता है वैसे वैसे डायग्राम में पुट कर दीजिएगा। अब लेते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट टू राइट को प्लस लेंगे, 36.86 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक मिस्टेक किया था, ये 24 है तो हमने यहाँ पर गलती से 12 लिखा, ये 24 है, ठीक है ना, ये 12 नहीं, ये माइनस का 24 है, तो ये 12 नहीं था, यहाँ पर 24 है, माइनस का 24 इक्वल्स टू एफ ई मिलता है 11.99 मतलब 12 किलो न्यूटन, जो कि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मतलब टेंशन, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, हम लोग लेने के समय गलत लेते हैं। तो यहाँ पर 24 था तो मैंने गलती से 12 लिखा था, ठीक है ना, ये 24 है, तो ये हो जाएगा -24, ये भी 12 नहीं है, ये 24 है, ठीक है। 20 -24 एफ ई 15 cos 36.86, तो आपको एफ ई की वैल्यू मिल जाएगी 12, जो कि टेंशन में है। तो एफ ई टेंशन, टेंशन मतलब टुवर्ड्स इच अदर, टुवर्ड्स इच अदर, और वैल्यू है 12। तो यहाँ पर हमारा
ज्वाइंट एफ भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं ज्वाइंट ई। कंसिडर ज्वाइंट ई, ये ज्वाइंट ई है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ज्वाइंट ई में हमको ये साइड मालूम है जो कि है 12, ठीक है ना, इतना देखना है हमें। ये 12 है, ये साइड हमें नहीं मालूम, ये साइड हमें नहीं मालूम। जो नहीं मालूम उसको हम लोग अवे फ्रॉम ईच अदर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीरो फोर्थ मेंबर आता है, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, अगर जीरो फोर्थ मेंबर आपको याद नहीं रहता है, अगर आप समेशन एफ एक्स एफ वाई लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये इसको नाम दे देते हैं, ये है ई बी और ये है ई डी। तो यहाँ पर देखे ये जीरो फोर्थ मेंबर आता है, ई डी जो है वो जीरो फोर्थ मेंबर है। क्यों जीरो फोर्थ मेंबर है? क्योंकि ऑपोजिट साइड में इसका कुछ नहीं है, और ये जो ई बी है ये 12 आने वाला है। क्यों 12 आएगा वो भी मैं आपको बता दूं। ये सब आपको टाइम बचाएगा, जो इस साइड लग रहा है वही सेम इस साइड भी लगा दो, वो 12 हो जाएगा। और ईडी यहाँ पर इस साइड कुछ नहीं है तो इस साइड भी ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो फोर्थ मेंबर है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन में यहाँ पर इसको जीरो कर सकते हैं और इसको 12 लिख सकते हैं, लेकिन आप अभी के लिए सॉल्व करके देख लीजिए कि जीरो आ जाता है। तो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो लगाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर एक ही है जो कि है ईडी इक्वल्स टू जीरो। तो ये ईडी हो गया जीरो, क्योंकि ईडी ऊपर जा रहा है तो प्लस ईडी इक्वल्स टू जीरो, तो ईडी हो गया जीरो। आप लगाएंगे समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, लेफ्ट से राइट जाने वाले को पॉजिटिव। तो माइनस 12 था ये माइनस 12 प्लस ई बी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से ई बी इक्वल्स टू प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो ई बी है ये प्लस का 12 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर इस साइड माइनस में जा रहा है तो इस साइड प्लस लगा दो, इस साइड कुछ नहीं है तो इस साइड जीरो हो जाएगा। ये जीरो फोर्थ मेंबर का काम होता है। तो इतना टाइम था, एक दो मिनट आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर ई बी आया 12 जो कि प्लस में है, तो टेंशन, तो टेंशन टेंशन मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। और ये तो जीरो फोर्थ मेंबर है, तो यहाँ पर आप जीरो लिख देंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कंसिडर ज्वाइंट बी। देखिए डी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी हमें मालूम पड़ गया, ये वाला जीरो है, सिर्फ डी ये अननोन है, तो फिर ये बी से मिल जाएगा। तो हम लोग बी लगाएंगे तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, तो डी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कंसिडर बी, तो बी को मैं रिड्रॉ करता हूँ। तो पॉइंट बी यहाँ पर लग रहा है, ऊपर से आ रहा है 9, और ध्यान से देखिएगा इतना देखना है हमें, ठीक है ना। तो ये अवे जा रहा है अवे, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, ई बी कितना आया था हमें, ई बी आया था 12, तो यहाँ पर हमें 12 लिखना है। देखिए जीरो फोर्थ मेंबर ऐसे ही होता है, इस साइड अगर 12 जा रहा है तो इस साइड 12 लगा दो, तो ये हो गया 12। ये 12 है। अब इसमें एक ही अननोन है जो कि इस साइड जा रहा है, अवे लेंगे, जो हमें नहीं मालूम उसको अवे फ्रॉम इसका हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगेगा, ठीक है। इसके लिए हमें ये टीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो ये टीटा हमें मालूम है, ये 3 है और ये 4 है, तो टेन इनवर्स 3/4 कितना होता है, टीटा इक्वल्स टू 36.86, ठीक है ना। ये टीटा के लिए ये 3 है और ये 4 है, तो जो टीटा के साथ होता है वो कॉस का टर्म हो जाएगा। तो फिर ये होगा कॉस और ये होगा साइन, ठीक है ना। अब लिखने के समय हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिए, समेशन समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले ये प्लस का 9 है, ऊपर जाने वाले को हम लोग प्लस लेते हैं, ये प्लस का 9, फिर उसके बाद ये साइन का टर्म भी ऊपर जा रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बीडी, ठीक है, प्लस बीडी, प्लस बीडी साइन थीटा। थीटा कितना है, 36.86, ठीक है ना। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये साइड साइन होगा, ये साइड कॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, जो थीटा है वो कॉस का टर्म होता है, और जो जिसके साथ थीटा नहीं है वो साइन का टर्म होता है। तो इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से आपको बीडी मिल जाएगा, बीडी मिलेगा प्लस 9 प्लस
एक्स साइन 36.86 इक्वल्स टू जीरो, बीडी मिलेगा माइनस 15, ठीक है ना, माइनस मतलब कंप्रेशन, माइनस 15 मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, और वैल्यू है माइनस 15। अब एक आपको शॉर्टकट बता दूं, अब आपको इसमें ना एफ एक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कोई एफ एक्स का लोड ही नहीं है ना, हमारा अननोन जो था वो यही अननोन था, तो ये हमें मिल चुका है। तो देख सकते हैं हमारा पी एनालिसिस का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। चलिए, पी एनालिसिस हमारा हो गया। पी एनालिसिस मतलब क्या था, जो भी गिवन फ्रेम था उसका हर एक मेंबर में क्या क्या टेंशन लग रहा है या कंप्रेशन लग रहा है, ये सब हमें कैलकुलेट करना था, सारे वैल्यूज हर एक मेंबर के लिए। ये होता है हमारा पी एनालिसिस। अभी हम लोग चलते हैं के एनालिसिस के पास। तो के एनालिसिस में हमें क्या करना है, के एनालिसिस में ये जो गिवन बीम है इसमें से सारे फोर्सेस हटा देने हैं, सारे फोर्सेस हटा देने हैं, और के एनालिसिस में हमें यूनिट लोड लगाना पड़ता है। तो यूनिट लोड कहाँ लगाएंगे, क्या बोला था, देखिए, यूजिंग यूनिट लोड मेथड फाइंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट ई, जॉइंट ई पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। मतलब कि ये जो जॉइंट ई है यहाँ पर हम लोग वर्टिकल यूनिट लोड लगाएंगे। अब ये डायग्राम रीड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम रीड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से। ये हो हमारा के एनालिसिस, सारे लोड इस पे से हट जाएंगे, सिर्फ एक लोड लगेगा यूनिट लोड जो कि पॉइंट ई पे होगा 1 किलो न्यूटन, और यहाँ पर वर्टिकल है और वर्टिकल भी। अब हमें इसके इसके लिए भी रिएक्शन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं के एनालिसिस में। तो इसके लिए हम लोग समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, वी बी पॉजिटिव है और वी ए भी पॉजिटिव है, दोनों ऊपर, और माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें वी और वी बी में से कोई एक वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हम लोग सबसे पहले समेशन मोमेंट अबाउट ए निकालना होता है हमें। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, तो वी बी ऊपर जाएगा, तो वी बी माइनस होगा। वी बी कितना है, डिस्टेंस हमें मालूम है, डिस्टेंस है 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 12 हो गया। वी बी इंटू 12 और 1 किलो न्यूटन है, नीचे जा रहा है इसलिए प्लस 1 इंटू ये 4 प्लस 4 8, तो 12 1 इंटू 8 ये 1 है, और इंटू 8 और इतना ही है इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें VB मिल जाएगा, VB इक्वल्स टू माइनस x इंटू 12 प्लस 1 इंटू 8 मतलब 8 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमें x मिल जाएगा जो कि है 0.67, ठीक है ना, 0.67। वी भी 0.67 है, वी भी हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो हमें वी ए मिल जाएगा, तो 0.67 प्लस वी ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 0.33 वी ए इक्वल्स टू 0.33, दोनों पॉजिटिव में है, मतलब हमारा अजम्पशन करेक्ट है, ठीक है, ये काम हो गया। अभी जो हमने के एनालिसिस के लिए कैलकुलेट किया था, हर एक पॉइंट को उठा के सॉल्व किया था और हर एक मेंबर में कितना लोड लग रहा है वो सब कैलकुलेट किया था पी एनालिसिस में, वैसे अभी सेम कैलकुलेशन हमें के एनालिसिस के लिए भी करना है। हर एक मेंबर उठाओ, सबके लिए सॉल्व करो समेशन एफ एक्स एफ वाई और फाइंड करो हर एक मेंबर में कितना लोड लग रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे जॉइंट ए, इस केस में भी वैसे ही है, दो अननोन और दो इक्वेशन होते हैं हमारे पास, तो दो अननोन ए पे देख सकते हैं, दो अननोन है, ये दो अननोन है, ये तो हमें वी ए मालूम है, तो ए उठाएंगे, कंसिडर जॉइंट ए, ठीक है, जॉइंट ए। तो जॉइंट ए में रीड्रॉ करता हूं, यहाँ पे वी ए लग रहा है, वी ए कितना है 0.33, और इस साइड ए एफ लग रहा है, जो हमें मालूम नहीं होता है वो हम
आउटवर्ड लेते हैं, आउटगोइंग लेते हैं, और यहाँ पे लग रहा है एसी, मालूम नहीं है इसलिए आउटगोइंग, लेकिन एसी इंक्लाइंड है तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। ये होगा एसी कॉस थीटा, ये होगा एसी साइन थीटा, ठीक है। ये थीटा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये थीटा कैसे है, आपको मालूम है ये डिस्टेंस है 3 और ये डिस्टेंस है 4, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हमने थीटा कैलकुलेट किया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब थीटा आएगा 10 इनवर्स 3/4, तब लेंगे 36.86, जब थीटा आएगा 10 इनवर्स 4/3, तब हम लोग थीटा लेंगे 53.13, ठीक है। इस तरीके से दो ही केस यहाँ पर मिलने वाला है, इसलिए पहले से कैलकुलेट करके रख दिया, तो जो दोनों में से आएगा वो हम लोग उठाएंगे। तो अभी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें मालूम है डिस्टेंस ये 3 है और ये 4 है, ठीक है ना, ये 3 और ये 4, तो 10 इनवर्स 3/4, 10 इनवर्स 3/4 कितना होता है, 36.86। तो इस केस में हमारा थीटा होने वाला है 36.86। तो चलिए समेशन एफ एक्स एफ वाई लगा दो। समेशन एफ वाई हमेशा पहले लगाओ, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव मतलब 0.33 प्लस में है, और एसी साइन थीटा भी प्लस में है। एसी साइन थीटा कितना है, 36.86 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपको एसी मिल जाएगा 0.33 प्लस एक्स साइन 36.86 इक्वल्स टू 0। एसी आपको मिलेगा -0.55, ठीक है। मैंने आपको बोला था माइनस आता है तो माइनस लिख देना यहाँ पर, ठीक है, और माइनस मतलब कंप्रेशन, तो एसी पे कंप्रेशन लग रहा है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कंप्रेशन मतलब आउटगोइंग, टेंशन मतलब टुवर्ड्स, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ, कंप्रेशन मतलब आउटगोइंग और टेंशन मतलब टुवर्ड्स, कंप्रेशन मतलब माइनस, टेंशन मतलब प्लस, ठीक है। अभी हम लोगों ने एसी के लिए सॉल्व किया, एसी हमारा आता है माइनस में, तो एसी माइनस क्या होता है हमारा, आउटगोइंग, तो आउटगोइंग वैल्यू आती है, वैल्यू भी लिख देना, ठीक है, नेगेटिव आ रही तो नेगेटिव में लिख दो, -0.55। अब आते हैं समेशन एफ एक्स की तरफ। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ एक्स में क्या क्या आता है, यहाँ पर देखिए एफ आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, हमारा ये साइड होता है ना पॉजिटिव, तो एफ पॉजिटिव, एफ प्लस एसी कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, एसी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एसी हम लोग पहले से सॉल्व करके रखे, एफ प्लस, अब देखिए एसी हमारा नेगेटिव में आया था, नेगेटिव में, तो यहाँ पर माइन ब्रैकेट डाल के -0.55 कॉस थीटा कितना है, 36.86 इक्वल्स टू 0, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पर एक और ब्रैकेट आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये माइनस लेके चलो, नहीं तो यहाँ पर आप गलती से ये माइनस नहीं डालोगे तो आंसर गलत आएगा। तो एफ यहाँ से हमको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, एफ एक्स प्लस ब्रैकेट माइनस, ठीक है ना, एक्स प्लस फिर ब्रैकेट माइनस 0.55 कॉस 36.86, पहला ब्रैकेट क्लोज फिर सेकंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें एफ मिलता है 0.44, एफ मिलता है 0.44 जो कि पॉजिटिव में है, तो मैंने क्या कहा था पॉजिटिव आया तो टुवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पर लगा दो टूवर्ड्स ईच अदर और वैल्यू लिख दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, कितना आता है 0.44, 0.44, ठीक है, इस तरीके से लिखते जाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कंसिडर जॉइंट सी, ठीक है, जॉइंट सी देख सकते हैं, अभी दो अननोन है, ये दो अननोन, जॉइंट सी को मैं रिड्रॉ करता हूँ, तो जॉइंट सी में ये जो है सी डी, ये हमें मालूम नहीं है इसलिए आउटगोइंग,
ये है सी एफ, मालूम नहीं है, इसलिए आउट गोइंग यहाँ पर एक लग रहा है जो कि अंदर आएगा, ठीक है ना। हमें कौन सा देखना पड़ता है, सिर्फ इतना इतना, मतलब देखिए तो ये अंदर आ रहा है, अंदर कितना आ रहा है, 0.55। अब हमको पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं है, जब हम लोग एफएक्स एफवाई कैलकुलेट करते हैं तब हमें पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर आते हैं, इसका भी हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, इसके लिए हमें ये थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है ये साइड 4 है और ये साइड 3 है ना। इस डायग्राम में आपने देखा था ये साइड 4 है और ये साइड 3 है, तो टेन इनवर्स 4/3 कितना होता है, थीटा 53.13 आने वाला है ना। टेन इनवर्स 4/3, 53.13, ये हमारा थीटा। तो चलिए अब इसमें थीटा किसके साथ आएगा, तो ये आएगा इसके साथ थीटा, तो जिसके साथ थीटा आता है वो कॉस का टर्म होता है, तो 0.55 कॉस थीटा ये इधर इधर आएगा और ये आएगा 0.55 साइन थीटा। जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस का टर्म, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉस का टर्म होता है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अब लेते हैं समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, तो देख सकते हैं सी एफ नीचे जा रहा है तो माइनस सी एफ, ये ऊपर जा रहा है तो 0.55 कॉस थीटा, थीटा कितना है 53.13 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमको सी एफ मिल जाएगा, माइनस सी एफ प्लस 0.55 कॉस 53.13 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0, सी एफ मिल जाएगा जो कि है 0.33। आंसर पॉजिटिव में आता है मतलब टेंशन, तो डाल दो यहाँ पर सी एफ, सी एफ कौन सा है, हाँ ये टेंशन मतलब टूवर्ड्स, टेंशन मतलब टूवर्ड्स, और वैल्यू कितनी है 0.33। चलिए अभी हम लोग चलते हैं समेशन एफ एक्स की तरफ, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, लेफ्ट से राइट पॉजिटिव, तो सबसे पहले सी डी लेते हैं, सी डी प्लस में है और फिर 0.55 का ये साइन वाला टर्म भी प्लस में है, 0.55 साइन थीटा, थीटा कितना है 53.13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें सी डी मिल जाएगा, बस इस कॉस को अगर हम लोग साइन कर देते हैं, इस कॉस को साइन कर देते हैं, बाकी सब तो सेम है, और ये सी डी को प्लस कर देते हैं, तो प्लस एक्स प्लस 0.55 साइन 53.13 इक्वल टू 0, तो ये सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें सी डी मिल जाएगा माइनस 0. देख सकते हैं 0.439 है, तो हम लोग इसको 0.440 लिख सकते हैं, मतलब 440 मतलब इसके बाद 0 आएगा, तो ये प्लस माइनस में आता है तो ये कंप्रेशन, माइनस में आता है तो माइनस यहाँ पर लिख देना, ठीक है। कंप्रेशन सी डी कंप्रेशन में आता है, तो कंप्रेशन मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर, सी डी अवे फ्रॉम ईच अदर, वैल्यू जैसे है वैसे लिख दो, माइनस 0.44। इसलिए मैंने बोला था ट्रस्ट में ना कैलकुलेशन पार्ट ही बहुत होता है, लेकिन अभी मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आप जब खुद सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो अभी हमारा जॉइंट सी हो गया, जॉइंट एफ की तरफ चलते हैं, जॉइंट एफ, तो इस जॉइंट एफ को मैं रिड्रॉ करता हूँ, जॉइंट एफ इस तरीके से है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अभी हमको इतना देखना है, तो देख सकते हैं ये 0.33 ऊपर जा रहा है और यहाँ पर 0.44 नेगेटिव साइड में जा रहा है, और ये साइड है एफ ई जो कि हमें मालूम नहीं है, और ये साइड है एफ डी जो कि हमें मालूम नहीं है, दो अननोन है और दो नोन है, तो दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसको मैंने लंबा क्यों बनाया, क्योंकि अभी उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए इसका, इसके लिए मुझे इसका टीटा यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टीटा हमें मालूम है ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो टीटा टेन इनवर्स 3/4, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था टेन इनवर्स 3/4
इसके लिए थीटा होने वाला है 36.86। तो जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस का टर्म होता है, ये एफ डी कॉस थीटा और ये एफ डी साइन थीटा। क्लियर? लगा दो समेशन एफ एक्स एफ वाई, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, तो यहाँ पर एफ डी ऊपर जा रहा है, एफ डी साइन थीटा, थीटा कितना है 36.86। अब ये प्लस 0.33 भी ऊपर जा रहे हैं, इक्वल्स टू 0, यहाँ से एफ डी मिल जाएगा, एफ डी मिल जाएगा एक्स इंटू साइन 36.86 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.33 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें एफ डी मिल जाएगा माइनस 0.55। माइनस आया तो माइनस भी लिख देना उसमें, माइनस मतलब कंप्रेशन, एफ डी आया कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन क्या होता है हमारा, अवे फ्रॉम इच अदर, तो एफ डी अवे फ्रॉम इच अदर। और एफ डी की वैल्यू कितने हैं, एफ डी कितना था, -0.55, -0.55। चलिए अभी फटाफट एफ एक्स लगाते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट टू राइट प्लस, इसमें क्या क्या आ रहे हैं, सबसे पहले एफ ई प्लस आ रहे हैं, एफ ई प्लस आ रहे हैं, माइनस में आएगा 0.44, 0.44 माइनस में है, और यहाँ पर एफ डी जो है वो भी प्लस में आ रहा है, तो प्लस एफ डी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखना ध्यान से हमें डालना है, इसलिए मैं इसको रीराइट करूंगा, एफ ई -0.44 प्लस एफ डी कॉस थीटा, लेकिन एफ डी नेगेटिव में है तो एक और ब्रैकेट यहाँ पर ले लो, एफ डी की वैल्यू है -0.55 कॉस थीटा, कितना है 36.86, 36.86, इसका ब्रैकेट खत्म, फिर एक और ब्रैकेट खत्म, फिर इक्वल्स टू 0। ध्यान से करना है ठीक है, एकदम मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत इजी है ट्रस्ट, लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस भी उतने ही है। एक्स -0.44 प्लस आएगा, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर माइनस आएगा 0.55 कॉस 36.86, पहला ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। एफ ई आता है 0.88 जो कि पॉजिटिव में आंसर आता है, मतलब टेंशन। तो एफ ई कहाँ पर है, यहाँ पर, टेंशन मतलब टुवर्ड्स इच अदर, टुवर्ड्स इच अदर, और वैल्यू कितनी है इसकी, 0.88, 0.88। अब एक लास्ट बचता है हमारा, चलिए अभी हमारे पास तीन है, ई बी और डी, लेकिन हम लोग ई और बी सॉल्व करेंगे तो डी हम अपने आप मिल जाएगा, तो चलिए ज्वाइंट ई को लेते हैं, ई में रिड्रॉ करता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये 0 4th मेंबर है तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये, तो भी मैं आपको रिड्रॉ करके बता ही देता हूँ, 0 4th मेंबर है, टाइम बचाने के लिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो देखिए, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। हमको इतना मालूम है 0.88 ये है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें इतना लिखना है, तो ये आउट गोइंग है 0.88 और ये 1 किलो न्यूटन है, हमें ये मालूम नहीं है जो कि है ई बी, हमें ये भी मालूम नहीं है जो कि है ई डी। टाइम बचाने के लिए आप ये इस पे सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, 0.88 इस साइड लग रहा है तो इस साइड भी 0.88 ही लगेगा, अगर 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो यहाँ पर भी 1 किलो न्यूटन अपवर्ड लगेगा, तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो, तो ये प्रैक्टिस आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप डायरेक्ट कर पाएंगे, लेकिन मैं अभी बता दूं आपको ये कैसे आता है, नहीं तो आप वापस पूछेंगे कि कैसे आया। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे, 1 किलो न्यूटन पहले से था तो -1 किलो न्यूटन, और ईडी प्लस में था तो ईडी प्लस इक्वल टू 0, तो यहाँ से ईडी निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए ये ईडी 1 आया। अब समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाएंगे, ऐसा वाला पॉजिटिव लेंगे तो ईबी पहले से, ई भी नहीं था, ये वाला पहले से था जो कि है 0.88 नेगेटिव में,
नेगेटिव में 0.88 पहले से था और ईबी बाद में आया। जो ईडी ईडी हमें निकालना है, सॉरी ईबी हमें निकालना है इक्वल टू 0, तो ये माइनस में, तो ये उस साइड चले जाएगा, तो ईबी ईबी इक्वल टू 0.88 आएगा पॉजिटिव का। ये सब आपको डायरेक्टली आ जाना चाहिए। आप देखिए, आप यही पर लगा सकते हो, इसको देख सकते हैं, ये इस साइड जा रहा है तो ये इस साइड जाएगा, ये 1 किलोन्यूटन नीचे आ रहा है तो ये 1 किलोन्यूटन ऊपर जाएगा। तो यही से आप इसको बता सकते हो कि ये अगर ये साइड ऊपर है तो इसको ये साइड इस साइड लगेगा, अगर इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर लगेगा। ठीक है ना, आप ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जो जीरो फर्स्ट नंबर होता है उसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बस अभी वैल्यू लिख दो। इधर 0.88 था तो ये भी होगा 0.88, ये 1 किलो न्यूटन है तो ये भी 1 किलो न्यूटन होगा। यहाँ तक क्लियर? ये सारे किलो न्यूटन में, ठीक है, ये किलो न्यूटन सब किलो न्यूटन में, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि जगह कम है, जितना ज्यादा इसमें लिख दूंगा उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हम लोग को लास्ट बी बचता है और एक ही अननोन है, तो फटाफट कर लेते हैं। ज्वाइंट ज्वाइंट बी, ज्वाइंट बी को रिड्रॉ करते हैं। ज्वाइंट बी इस तरीके से है, नीचे से वी बी लग रहा है, वी बी हमें मालूम है कितना है, 0.67, देख सकते हैं यहाँ पर 0.67, और यहाँ से इस डायरेक्शन में है 0.88, और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है बी डी बी डी। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब देखिए ये थीटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये थीटा कैलकुलेट करेंगे हमें, ये थीटा कैलकुलेट करना है, तो ये लेंथ मालूम है 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो थीटा इस केस में होने वाला है 36.86। तो जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस का टर्म होता है, तो फिर यहाँ पर मैं सिर्फ कॉस थीटा लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ साइन थीटा। वैल्यू हम लोग अभी डाल देंगे। तो चलिए, समेशन FY इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, तो 0.67 ऊपर जा रहे हैं और ये साइन थीटा भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका नाम है BD, तो प्लस BD साइन थीटा, थीटा कितना है 36.86 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको BD मिल जाएगा 0.67 प्लस x साइन 36.86 इक्वल्स टू 0, BD मिलता है आपको माइनस 1.11, माइनस 1.1169। ठीक है, तो इसको हम लोग 70 भी लिख सकते हैं, तो BD इक्वल्स टू माइनस 1.1169 की जगह इसको 7 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं 1.17। तो ये BD हो गया, BD हमारा कितना आया, माइनस 1.117, तो BD यहाँ पर हम लोग रख देंगे। BD कितना है, माइनस मतलब देख सकते हैं, माइनस मतलब आउटगोइंग, तो ये आउटगोइंग दोनों साइड से आउटगोइंग, आउटगोइंग कितना है माइनस 1.117। तो फिर यहाँ पर आपका सारा कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट होता है, आपको अभी टेबल में डालना है खाली। अब इसके लिए हमने समीशन FX, हमने समीशन FY कैलकुलेट किया, अभी समीशन FX कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और कोई लोड हमें बचा ही नहीं, इतना ही था, कंप्लीट हो गया सारा। तो अब चलिए टेबल की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी काम सिर्फ हमारा ये दोनों डायग्राम का है, पी एनालिसिस और के एनालिसिस, और हमें एक टेबल बनाना है इस तरीके से। ठीक है, ये टेबल बना लो जिसमें आएगा मेंबर पी के एन, पी इन किलो न्यूटन, पी एनालिसिस इन किलो न्यूटन, के एनालिसिस इन किलो न्यूटन, एल इन मीटर्स और पी इंटू के इंटू एल, इस तरह आएगा। तो चलिए, मेंबर में सब मेंबर आपको यहाँ पर लिस्ट आउट करने हैं, तो मेंबर ए एफ, ए सी, सी एफ, सी डी, एफ ई, डी बी, ई बी, सब लिखना है। तो कितने मेंबर है, 1 2 3 फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मेंबर है, तो यहाँ पर टोटल 9 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ध्यान से भर दो, जरूरी नहीं है कि इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये, कैसे भी भर सकते हो, बस 9 मेंबर सबको करेक्ट इसमें भरने हैं। ठीक है, ये करेक्ट इसमें भर लेना, तो यहाँ पर मैंने पहले से भर के लिया, तो वो ध्यान से भरना। तो चलिए, अब
सबसे पहले हम लोग पी किलोन्यूटन मतलब पी एनालिसिस के टेबल में देखना है कि एफ मेंबर पे पी कितना लगा है। तो एफ मेंबर ये है, तो यहाँ पर 24 लगा है, तो ये 24 हो गया। अब एसी मेंबर पे देखना है, एसी मेंबर पे कितना लगा, -15, -15। अब सीएफ मेंबर पे कितना लगा, 9। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब भर लेना है। तो फिर मैं फटाफट भर लेता हूँ। ठीक है, पी किलो न्यूटन हो गया। अभी चलते के किलो न्यूटन के पास। तो के किलो न्यूटन के लिए के एनालिसिस का देखिए। अब के एनालिसिस में वैसे ही सेम क्या था, एफ के यहाँ पर कितना है, तो ये है एफ, एफ पे कितना लगा है 0.44। वैसे एसी पे कितना है, एसी पे है -0.55। वैसे ही सीएफ पे कितना है, ये रहा सीएफ, सीएफ पे है 0.33। वैसे ही सब भर लो यहाँ पर। ठीक है, ये सब हो गए। अब आता है एल इन मीटर्स। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, एफ, ठीक है, ये एफ है, ये कितना था, यहाँ पर देखिए एफ है 4 मीटर। यहाँ पर हमें एसी भी चाहिए होगा। एसी का लेंथ कैसे आएगा, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर, इक्वल्स टू सी स्क्वायर कितना आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस आएगा 5, 5। तो जितने भी इंक्लाइंड है, ये जितने भी इंक्लाइंड मेंबर है, इसका सारा डिस्टेंस 5 है। ठीक है ना, क्योंकि ये 4 4 4 और 3 3, तो जितने भी इंक्लाइंड है वो 5 है। ठीक है, और जितने भी ये खड़े है ये 3 है। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिख देता हूँ, ये 3 है और ये 5 है, ये 4 है, आपको तो मालूम है, यहाँ पे हमने लिखा है। तो आप डिस्टेंस डाल दो, यहाँ पर टेबल में डिस्टेंस डाल दो। तो एफ कितना है, एफ है 4, तो 4। अब एसी कितना है, एसी 5 मीटर का है, तो इंक्लाइंड यहाँ पर डाल दो 5। तो इसी तरीके से ये सब भर दो, तो ये हो जाएगा 4 5। ठीक है, ये सब हमने भर लिया। अब ध्यान से देख, ध्यान से भरना। ठीक है, जो मतलब एफडी है, तो एफडी कितना है देख सकते हैं, एफडी, एफडी हमारा 5 मीटर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी इंक्लाइंड है वो सब 5 मीटर के है, तो एफडी 5। तो ये सब ध्यान से एल भर लेना। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में डिस्टेंस बता दिया, सबके डिस्टेंस कितने कितने, तो यहाँ पर आप ध्यान से डिस्टेंस इसमें भर देना। अब हमारा काम क्या है, पी के एल मतलब पी इंटू के इंटू एल। तो मैं एक आध दो आपको करके बताता हूँ। अगर मैं ए एफ का बता दूं, तो पी है 24 इंटू के है 0.44 और इंटू एल है 4, तो ये इक्वल्स टू होता है 42.24, 42.24। तो इसी तरीके से सब भर दो। ठीक है, पी के एल मल्टीप्लाई करके भर दो, ये हो जाएगा 41.25, ये होगा 1.775 और ये होगा 42.24। ठीक है, ये सब हो गए पी, पी इंटू के इंटू एल। अब समेशन कर दो यहाँ पर, समेशन ऑफ पी के एल, समेशन ऑफ पी के एल चाहिए, तो फटाफट समेशन कर लेते हैं। प्लस 83.775 प्लस 42.24, एकदम ध्यान से करना। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 261.645। ठीक है, यह समेशन का टोटल आता है, तो यही आपका आंसर है। अब आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखना। y हमें पूछा था जो कि डिफ्लेक्शन एट e, y e पूछा था जो कि वर्टिकल पूछा था। ठीक है, इक्वल्स टू 261.645 अपॉन ई आई। क्वेश्चन में हमें ई आई नहीं दिया था, अगर किसी क्वेश्चन में ई और आई दिया जाएगा तो ई और आई इसमें पुट करना। तो हमें जो क्वेश्चन था उसमें हमें ई आई कॉन्स्टेंट लेने को बोला था, ई आई की कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए हम लोग ई आई कुछ नहीं लेंगे। अगर ई आई दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको उसको ई आई से मल्टीप्लाई करके लास्ट का आंसर लिखना है। ध्यान रखना, डिफ्लेक्शन हमेशा हमारा मीटर्स में आना चाहिए। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा मीटर में होना चाहिए डिफ्लेक्शन का। तो यही है हमारा आंसर, 261.645 अपॉन ई आई। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।
काम सिर्फ आपका इसी का आने वाला है, जो कि है पी एनालिसिस और के एनालिसिस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कैलकुलेशन पार्ट आपको आंसर यही आना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।